तो इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी में हमारे पीछे पड़ चुका है एविल थॉमस ट्रेन, जो कि हमें लगा था कि एक नॉर्मल ट्रेन है, पर वो है एक शैतान। तो मैं निकल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट अपनी डेली जॉब के लिए, जहाँ पे मैं दिन रात बहुत ही ज़्यादा मजदूरी करता हूँ। और जाते जाते मुझे एक बात बोलनी थी। मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा लोग मेरा नाम गलत लेते हैं। मेरा नाम है हर्ष तात्सुया, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग बहुत ही गलत बोलते हैं। तो क्या आप मेरा नाम सही ले पाते हो यार? कमेंट में एक बार ज़रूर से मेरा नाम लिख के बताना सही स्पेलिंग के साथ, और एक बार बोल के भी मुझे सुनाई दे देगा। और मैं पहुंच चुका हूं साथी में कंस्ट्रक्शन साइट। ये क्या है? एक सेकेंड, हमारी साइट पे ये इतना सारा कचड़ा क्यों पड़ा हुआ है भाई? ये कौन डाल के चला गया रे? अरे यार, ये है क्या? ये देखने में तो कोई ट्रेन जैसी लग रही है। ट्रेन के डब्बे हैं ये, पर ये कूड़े में कौन डाल के चला गया? अरे बॉस, ये क्या है? हमारी जगह पे ये पूरा कचड़ा कौन फेंक के चला गया? अरे यार, मैं क्या बताऊं, ये दरअसल बहुत ही पुरानी बात है। ये एक टाइम की बहुत ही प्यारी ट्रेन हुआ करती थी, पर आज ये कूड़ा है, तो अब इसको फेंकना है, तो इसलिए हमारे को दे दिया है। लेकिन इतनी प्यारी सी भोली सी शक्ल वाला ट्रेन, इसको यार फेंक क्यों रहे हैं? इसको हम लोग वापस से भी तो नया कर सकते हैं। इसकी दिक्कत क्या थी? इसकी दिक्कत, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये 20 साल पहले की बात है, जब ये ट्रेन नई नई लॉन्च हुई थी। ये उस टाइम की सबसे शानदार ट्रेन हुआ करती थी, और इसका नाम था थॉमस ट्रेन। ये पहली ट्रेन थी जो कि स्टीम से चलती थी, और इसको लाया गया था। तो ये ट्रेन जब आई, तब तो ये बहुत ज्यादा चली, बहुत ज्यादा लोग इससे खुश हुए, और बहुत ज्यादा लोग इससे सफर करने लगे थे, अपने अपने शहर जाने लगे थे, और लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस ट्रेन से। पर एक टाइम ऐसा आया कि ये ट्रेन के बाद हमारी नई इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आने लगी, और फिर ये ट्रेन धीरे धीरे कम होने लगी। इसका लोग यूज कम करने लगे और इलेक्ट्रिक ट्रेन में जाने लगे। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा कम लग रही थी इलेक्ट्रिक ट्रेन से, इसलिए इसको फिर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर रख दिया गया। और फिर वहाँ वो रखी रही, बहुत हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, बहुत साल बीत गए, लेकिन इस ट्रेन का फिर कोई जुगाड़ नहीं लग पाया, और फाइनली ये ट्रेन एक कचड़ा बन गई थी। और इसलिए अब इस ट्रेन को पूरा डिस्कार्ड करने का डिसीजन ले लिया है, जिसके लिए इसको कूड़ेदान बनाकर हमारे पास फेंक दिया गया है। अच्छा, तो ये बात है यार, इतनी प्यारी ट्रेन जो कि एक टाइम पे नंबर 1 पे हुआ करती थी, उसे आज ऐसे देखा नहीं जा रहा। मैं कुछ करता हूँ, मैं इस ट्रेन को वापस से उस नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाऊंगा और सबसे पॉपुलर ट्रेन बनाऊंगा। मुझे बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर के पार्ट्स बदलने हैं, इसको एक स्टीम ट्रेन से कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिक ट्रेन बनानी है। सबसे पहले तो इसको धोना है मुझे, लेकिन यहाँ मुझे लगा था कि मुझे एक बाल्टी मिलेगी, एक बाल्टी तक नहीं है यार बीच के पास। मुझे लगता है कहीं और ही जाके मुझे बाल्टी लानी पड़ेगी। मेरे फ़ोन में मैंने पता किया, और मुझे समझ में आया कि बाल्टी जो है वो मेरे सामने रखी है, बस वहाँ पे मुझे पहुँच के उसको लाना पड़ेगा। कि जो सामने रैंप जा रहा है, इस पे जाते हुए बाइक से स्टंट मारते हुए मैं उस बकेट तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी KTM उठा के, और फर्राटेदार स्पीड से पहुँचते हैं उस बकेट पे। कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं, या फिर कितनी ट्राइस लगेगी ये देखते हैं। वैसे मुझे लगता है मैं पहले ही ट्राई में कर दूंगा। नहीं, गलत बोल दिया, आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, लेकिन हो गया, बस एक जंप अब परफेक्ट माननी है। अरे उठ क्यों रही है भाई, चलो अब एक परफेक्ट जंप चाहिए। ठीक है, स्पीड सही थी, मुझे लग रहा है काफी सही थी, लेकिन थोड़ी धीरे हो गई। अबे यार नहीं, आ गया, ओह बकेट पे आ गया मैं, बहुत ही एज पे गिरा था। बकेट मिल चुकी है, पानी की तो दिक्कत है ही नहीं, कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी भाई, बीच बगल में ही है हमारे। बीच से मैं पानी ले लेता हूँ, बकेट में इतना काफी है, वैसे मुझे तो बस धोना है उसको। और चालू करते हैं स्पॉन से इसको रगड़ रगड़ के साफ करने का। इधर 3 डब्बे हैं, ये 2 पीछे वाले कोच हैं और वो इंजन है। इन पे भी देखो शक्लें बनी हुई है, मतलब ये भी कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। इसको फेंक दिया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैली हो गई ये ट्रेन। पता नहीं, कम से कम 10-15 साल से तो ये पड़ी होगी, इतना ज़्यादा मैल जम गया इसमें।
लेकिन मैं साफ कर दूंगा इसको, बस थोड़ा बहुत और बचा है, फिर अच्छे से पानी मार के ये पूरी चमकने लग जाएगी एक नई ट्रेन की तरह। तो अब काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये ट्रेन, बिल्कुल नई लग रही है यार, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये तो, इसको कैसे ही फेंक दिया इन्होंने। चलो एक काम तो हमारा हो चुका है इसको साफ करने का, अब अगला टास्क हमारा ये है कि इसको मैं स्टीम से इलेक्ट्रिक कैसे बनाऊं। तो इसके लिए हम लोग को फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा। चलो फिर वो ढूंढते हैं। मेरे मैजिक फोन में मैंने लिखा है मोटर, और हमारे सामने आ चुका है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि हम लोग को एक बहुत ही कठिन रैंप में मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेके तो आना पड़ेगा, निकलता हूँ जल्दी से, शायद से यही है वो रैंप। सही आया हूँ मैं बिल्कुल। अब हम लोग को पूरा ये पार करना है, मुझे लेकिन लग रहा है ये रैंप बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ, पहली बार नहीं है मेरा। हाँ ये वही लग रहा है मेरे को, देखो यार अभी इसे मुश्किल हो चुका है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें, जंप हम लोग को बहुत ही तेज मारनी पड़ेगी। अरे यार जाने दे मेरे को, ये दोनों कंटेनर एक साथ कैसे आ रहे हैं, इधर थोड़ी सी भी जगह नहीं है निकलने की। आ गया मैं, अब इन दीवारों से जाना है हम लोगों को। ओके राइट लेफ्ट, और ये पेड़ क्यों लगा है देख नहीं। अरे यार, अरे नहीं मेरे को तेज जाना था, मेरी गाड़ी फंस गई, ये निकलेगी क्या, उतार। अरे नहीं, अरे नहीं गया, तेज 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 तेजी से जाना है, तेज भाई। चलो यार बहुत दूर दूर रखे हैं पेड़, गाड़ी अटक ही गई थी पिछली बार, इस बार नहीं अटकी। चलो लेकिन मैं भी गधा हूँ भाई, चेक पॉइंट ले सकता था ना मैं, फालतू बाइक से उतरा और मुझे वापस स्टार्ट से आना पड़ा, इस बार नहीं उतरूंगा कभी भी, गलती से भी नहीं उतरूंगा मैं। अभी मैं आ चुका हूँ किसी फ्लावर बेड के पास, जो कि मुझे याद है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था पिछली बार, इस बार पता नहीं कैसे होगा। ये जब नीचे आएगा ना तब हमें इसके ऊपर चढ़ना है, लेकिन बहुत तेज़ गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी वरना हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, ऊपर हवा में अटक जाएगी। आगे आगे चलना, आगे आगे आ गई। ओके चलो, अब ये सामने जो दिख रहा है ये रास्ता नहीं है यार, ये चेक पॉइंट से रास्ता बनाया है तो मैं इसमें गिर नहीं सकता, मुझे बहुत तेज आना पड़ेगा इससे। ओके अब तो याद नहीं आ रहा आगे क्या था। ओ नहीं, ये वो रास्ता है क्या, यहाँ से तो गाड़ी कूदती नहीं है। अरे यार ये वही है, और मैं पहले ही धीरे आ गया इसमें, वैसे ही गाड़ी इसमें जाती नहीं है। अरे यार कूद जा भाई, तीन चार ट्राई कर दिए मैंने, आ गया। अरे फिर रह गया, कैसे जाएगा यार ये, मतलब कैसे ही कूदेगा ये। मुझे लगता है हम लोग गाड़ी टर्न करते हैं ना उससे स्पीड कम होती है, तो हम लोग को बिल्कुल सीधा आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, समझ गया। लेकिन अरे यार ये क्या हो रहा है, अबे गाड़ी चलाने तो दे, कहाँ फेंक दिया, अब भी तो आया था। अबे ये अलग दिक्कत है यार, वैसे ही वो कूद नहीं रहा है, ऊपर से वो पता नहीं क्या है, दोनों पंखे आके टकरा रहे और मेरे को सीधा नीचे फेंक दिया। यार इसमें कैसे जाएगा कोई मुझे ये बताओ, इधर मैं गाड़ी चला नहीं सकता तो फिर आगे कैसे बढ़ूं, वहां से वो मार रहा है, यहां से ये आके धक्का मार रहा है, चल ये धक्का मारेगा तो आगे जाऊंगा भी, वहां से ये पंखा मुझे पीछे फेंक रहा है और धीरे धीरे करके ये मुझे गड्ढे में फेंक देता है, तो इधर से मैं करूं क्या, ये फिर से वही हो रहा है जो पिछली बार हुआ था यार, ये हो ही नहीं रहा यार, ये बनाया कौन है यार रैंप, मतलब मैं आगे जाऊं कैसे, कोई तो जगह हो, ये तो मेरी गाड़ी चले, ये फिर मुझे वहीं फेंक देगा, मैं नहीं मानता। क्या है यार ये, मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं पैदल जाऊँगा। हाँ ये ठीक है, मैं पैदल पार कर लूँगा भाई, वो गाड़ी जा ही नहीं सकती वहाँ से, गाड़ी गई ना, देखो गाड़ी को दो सेकंड में नीचे फेंक दिया गया, यही मेरा हाल होता अगर मैं नहीं जाता वहाँ से, तो ये पंखा यहाँ तक आ रहा है क्या। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अब रुक जा, जाने दे। अरे भाई नहीं, लो चेक पॉइंट वो भी गया, स्टार्टिंग से आना है मेरे को। यार ये क्या टॉर्चर है यार, ये 10-10 गाड़ियाँ पड़ी हुई है मेरी यहाँ पे, और मैं बार बार चेक पॉइंट ले रहा हूँ, एक गाड़ी फेंक के आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पा रहा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं पैदल आ गया, मैंने छोड़ दी बाइक, छोड़ दी, मैंने बोला पैदल आऊँगा, लेकिन मुझे अब जाके याद आ रहा है कि सामने मेरे जो रैंप है भाई, यहाँ पे बाइक से ही आ सकते थे, तो इधर मैं फंस गया। तो एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से आया हूँ, और इस बार मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है इस जगह पे, जहाँ पे मैं कम से कम 5 मिनट से फंसा हुआ हूँ, और टोटल रैंप पे मैं तो मैं 20-25 मिनट से फंसा हुआ हूँ, मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बस बाइक भगा दूंगा, और तब भी ये नहीं हो पाया ना तो फिर मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होगा,
ये फिर अटक गई। भाई कैसे जाऊंगा मैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है मैं थोड़ा करीब हूँ वहाँ पहुँचने के, क्योंकि बस लग रहा है पता नहीं कैसे पहुँचूंगा। यार पहुँचा दे यार, कैसे भी हो गया यार, आधा घंटा हो गया है अब नहीं हो पा रहा है। अब मैं कैसे जाऊंगा यार, मेरे को वो इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो मेरी ट्रेन कैसे ही भरेगी, या तो मैं वो ट्रेन का प्लान ही कैंसिल कर दूंगा अब यहाँ से नहीं जा पाया तो। भाई चल यार, चल 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 चल, आ गए भाई, आ गए, क्या खुशी हुई है यार, आ गए। चलो अब रुक जाओ, पहले मैं चेक पॉइंट ले लूँ कैसे भी, उसके बाद मैं खुशी मनाऊँगा। चेक पॉइंट कहाँ है, चेक पॉइंट बताओ मुझे पहले तो। वो कहाँ, वो रहा, ये कंटेनर से जाने की ज़रूरत है, ये फालतू ही रखा है। चेक पॉइंट मिल गया, ओके यार आ गए। चलो अब आखिरकार मैं इस इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुँच चुका हूँ, और अब इसको हम जाके हमारी ट्रेन में लगाएंगे, और हमारी ट्रेन वापस से एक बार हमारे शहर की सबसे बढ़िया ट्रेन बनेगी, थॉमस ट्रेन। तो ये है हमारी थॉमस ट्रेन, और मैं हूँ आज इसका ड्राइवर, परमिशन मैंने ले ली है, चलती है कि नहीं ये देखना है। चालू हो चुकी है, बहुत ही सही बढ़िया चल रही है। तो मैंने उस ट्रेन को रखवा दिया है दूसरे स्टेशन पे, क्योंकि एक स्टेशन पे अभी एक ही ट्रेन रख सकते हैं, दोनों साथ में रखे रहेंगे तो वैसे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं जाने वाली, तो दोनों साइड से फिर आना जाना हो जाएगा। तो मैं उसको वहाँ रख के आ गया हूँ, और मैं जा रहा हूँ अपने घर। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे यार मेरे को बहुत अर्जेंट में काम आ गया एक दूसरे शहर में, तो मुझे वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा, और ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि अभी ना हमारे शहर में जो पुरानी ट्रेन थी उसमें एक नया कोच भी लगा है, उसमें हम लोग बैठ कर जा सकते हैं। जिसको अर्जेंट में जाना रहता है ना, तो वो वाली जो बोगी है वो खाली रहती है, और सही टाइम पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये जो पीछे लगी है ना, ये है वो नई वाली बोगी यार, और ये पूरी खाली है, तो लगता है आज वैसे भी भीड़ है नहीं, और इसकी टिकट बहुत आसानी से मिल जाती है। चलो फिर देखते हैं कब निकलेगी ये ट्रेन, टाइम तो हो चुका है, वैसे ट्रेन चालू हो चुकी है। चलो अब मैं कल आऊँगा अपने शहर वापस, क्या है मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, तो इसलिए अभी निकलना पड़ रहा है, और रात इतनी हो चुकी है ना कि अभी कोई भी मुझे सड़क पर दिख ही नहीं रहा है। चलो भाई अब आराम करता हूँ, जाके कहीं सीट पे बैठ। ये क्या है, अरे थॉमस ट्रेन अभी ये चालू हो गई, ये क्या है इसकी आँख, इसकी आँख बदली बदली सी की लग रही है, हाँ ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, ये थॉमस ट्रेन है ना, इसको क्या हो गया, ये तो मॉन्स्टर बन चुकी है।